आज आप लोगों को बताऊंगा न्यू बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और आसानी से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये क्वेश्चन किए, हम अगर कम कैपिटल में रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें। मेरा ये एपिसोड आज का, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस आप कैसे शुरू करें, छोटे से शुरू करें, बड़ा का बारे में बाद में भी बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक कई एपिसोड इसका बनेगा, आप देखते रहना, पार्ट 1, 2, 3, 4 तक मैं बनाऊंगा इसको। मैं अपना बारे में बता दूं, मैं कलकत्ता में ओबराय में नौकरी करता था, उससे पहले मैं छोटे छोटे बहुत सारा रेस्टोरेंट में काम करता था और उसके साथ साथ मैं कैटरिंग में भी जाता था, जो आउटडोर कैटरिंग होता है वो कैटरिंग कंपनी का काम करने के लिए जाता था। तो जाते जाते वो मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ और मैंने उस टाइम धीरे धीरे कैटरिंग जाते जाते धीरे धीरे मैं अपना कैटरिंग बिजनेस शुरू किया। वो कैटरिंग बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा पैसा है अगर आपको ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने का भी बहुत सारा तरीका है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसमें आपका कैपिटल बहुत ही कम लगता है और आपको बहुत कम कैपिटल में वो आप पैसा बना सकते हैं। खैर वो बाद में मैं बताऊंगा। मैं अभी मेरे दोस्त लोग का जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, कैसे स्टार्ट करते हैं, जो बहुत साल से काम कर रहे हैं, कोविड का बाद में उनको अच्छा जॉब नहीं मिलता, उनका जितना एक्सपेक्टेशन है उतना पैसा का जॉब नहीं मिलता है, उसका जो ओनर है उसका सैलरी भी कम कर दिया तो उसको अभी अच्छा पेमेंट नहीं मिलता, तो वो बोलता हम क्या करें, बहुत सफरिंग कर रहे हैं, बहुत लोग अपना गांव चले गए, अपना घर जाके बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिलता है, क्या करें। तो उनके लिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ, ये मेरा अपना जो रियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैंने भी ऐसा शुरू किया, मैं लंदन में भी जाके 3 बार रेस्टोरेंट खरीदा और रेस्टोरेंट को 2-3 साल चलाया, फिर बिजनेस उठा के उसको प्रॉफिट करके मैं बेचा, ऐसा करके मैं कई बार रेस्टोरेंट खरीदा बेचा, इवन इंडिया में भी मैं ऐसा किया है। मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब अपना लाइफ में बहुत सारा रेस्टोरेंट में ओपनिंग किया, इंडिया में, इंडिया के बाहर, इंडिया के कई स्टेट में, जब ओबराय में था ओबराय वालों भी मुझे भेजते थे, जब उनका कहीं दूसरा ब्रांच खुलता था मुझे भेजते थे वो ओपनिंग के लिए, मैं ओपनिंग का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन भाई लोग को बोलता हूँ जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, खोल लीजिए, क्योंकि बिजनेस से अच्छा जॉब कभी नहीं हो सकता। अपना बिजनेस, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ईमानदारी से काम करोगे, आपको उसका 100% मिलेगा। जॉब में कभी कभी होता है आप बहुत ज़्यादा काम करते हो लेकिन उतना सैलरी नहीं मिलता जितना आपका एक्सपेक्टेशन है, जितना आप चाहते हैं, या तो आप सोचते हैं कि मुझे इतना मिलना चाहिए, नहीं मिलता, ये अक्सर होता रहता है। और कोई कोई है कम काम करके भी ज़्यादा पैसा मिल जाता, ये चलता रहता है। लेकिन अपना अगर बिजनेस रहेगा तो आप अपना हिसाब से आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, वो आपका उतना फायदा होगा। पहला बात तो आपका कैपिटल, आपको प्लान करना है आपके पास कितना पैसा है और आप उसके हिसाब से प्लान कीजिए। आपके पास अगर कम पैसा है, आप रेस्टोरेंट का सोचते हैं बड़ा रेस्टोरेंट खोल देंगे या मीडियम साइज का रेस्टोरेंट खोल देंगे, ऐसा गलती कभी मत करना। खोल तो देंगे लेकिन उसमें आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए एक कोई अच्छा पार्टनर ले लेने का। पार्टनरशिप बिजनेस बहुत लोगों को पसंद नहीं है लेकिन बगैर पार्टनर का बिजनेस में और ज़्यादा मुश्किल होता है। लंदन में भी मैं कई बार रेस्टोरेंट लिया और पार्टनर का साथ लिया, क्योंकि जब मैं नहीं रहता हूँ या मैं छुट्टी पे रहता हूँ वो देखते हैं। मैं ये जरूरी है, इस कंट्री पे भी ये जरूरी है, अगर आपका पार्टनर एक फ्रंट का हो, सर्विस वाले हो और एक किचन वाले हो तो बेस्ट होता है। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है आप अकेले भी कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पूरे का पूरे हेडेक आपको लेना पड़ेगा। आप सबसे पहले आपका कैपिटल देखिए कितना कैपिटल है, उतना कैपिटल में अगर आपका कम सम कैपिटल है, मेरा हिसाब से आप पहले फास्ट फूड खोलिए, आप पहले जो स्ट्रीट फूड होता वो खोलिए, छोटा से एक दुकान लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस का लफड़ा नहीं है, एक दो
लाइसेंस लेने से हो जाता है। सो वो लेके आप छोटा से दुकान पे आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। आप फास्ट फूड बेच सकते हैं, आप चना भटूरा बेचिए, आप चाट बेचिए, समोसा बेचिए, थोड़ा बिरयानी भी रख दीजिए, थोड़ा से बारबेक्यू कबाब भी रख सकते हैं आप, इस टाइप का रोल बेचिए। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, स्टाफ बहुत कम लगता है। और एक क्या है, आप प्री कुक करके रख सकते हैं। अगर आप इस तरह का रेस्टोरेंट बनाए हैं तो आप जब कस्टमर नहीं है आप उस टाइम पराठा बना के रेडी करके रख सकते हैं, कबाब मिला के इवन हाफ डन करके भी आप रख सकते हैं, और समोसा बना के रेडी करके रख सकते हैं। बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज होता है इस पे। जो मेरा सजेशन है, आप अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं पहले छोटे से खोलिए, जो आसपास जो खाना मिलता आप उससे हटके कीजिए। जैसा अभी समझ लीजिए मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में यहाँ हर जगह साउथ इंडियन फूड है, अब चलता भी बहुत है। मैं अगर साउथ इंडियन फूड रखता हूँ दो तीन आइटम रखूंगा, उनका पास 20-30 आइटम होता है, पर मैं नहीं रखूंगा। मैं दो तीन आइटम जो बहुत पॉपुलर है वो रखूंगा, साथ साथ मैं चना भटूरा रख लूंगा, पूरी भाजी रख लूंगा, इस टाइप का खाना रख लूंगा जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो लोग हमारे पास आएंगे क्योंकि हमारा खाना अलग तरह का है। नंबर वन, आप हमेशा मेनू चूज कीजिए जो आसपास अवेलेबल नहीं है, इससे आपका फायदा होगा, नंबर वन। नंबर टू, लंच टाइम में भी आप बहुत ज्यादा आइटम रखने का जरूरत नहीं है। आप पहले एरिया सर्च कीजिए, उस एरिया में जो छोटे छोटे आसपास के रेस्टोरेंट पे क्या ज्यादा बिकता है, क्या ज्यादा चलता है, उस तरह का आप डिश चूज कीजिए, फिर ऐसा आप मेनू बनाइए। आप चाहे तो स्नैक्स टाइम में भी थोड़ा पकौड़ी सकौड़ी रख सकते हैं, चाय रख सकते हैं। इसमें अगर आप और दो आदमी लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बिजनेस जैसा जैसा बढ़ेगा आप ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे। ये तो किया मेनू प्लानिंग का बात। अभी आप शॉप जो देखेंगे, शॉप आप कोशिश कीजिए जितना कम रेंट में हो, क्योंकि रेंट तो सब कुछ नहीं है। रेंट का बाद में आपका इलेक्ट्रिक का है, पानी का है, बहुत सारा खर्च है, लेबर कॉस्ट है, बहुत सारा खर्च है, वो सारा आप कैलकुलेशन कीजिए। और जब भी आप उतरना से नेक्स्ट 6 मंथ का, मतलब अगला 6 महीना का पैसा हाथ में रखना, 6 महीना का जो रनिंग कॉस्ट होगा, जो आप सामान खरीदेंगे उसका समझ लीजिए हाफ पैसा, क्योंकि सामान जैसा खरीदेंगे वैसा सेल भी होगा तो उससे पैसा आएगा। और अब 6 महीना का इलेक्ट्रिक का, पानी का, रेंट का और स्टाफ कॉस्ट, ये 6 महीना का आपका हाथ में पैसा होना चाहिए। नहीं तो आप 1-2 महीना चलेंगे फिर तो आपका लोग तनख्वाह नहीं पाएगा, तो सब भाग जाएगा, तो फिर आप अकेला फंस जाओगे, रेंट देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, तो आप फंस जाएंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग ऐसा करके रेस्टोरेंट खोला, 2-4 महीने में बिल्कुल सारा डुबा के फिर बंद कर दिया। आप ऐसा मत करना। सबसे पहले आप अपना कैपिटल देखना कितना पैसा है, उसमें से एक आप जो रनिंग कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिक का बिल है, पानी का है, जो रेंट है, स्टाफ का कॉस्ट है, ये सब का आप टोटल 6 महीना का हाथ में रखना। उसका बाद में जैसा जैसा सेल बढ़ेगा वैसा वैसा पैसा आने लगेगा, तो आप बढ़ा सकते हैं। मेनू कम रखिए, नंबर वन। और अगर इस टाइप का फूड रखेंगे आप कोशिश कीजिए कॉर्नर प्लेस हो या क्रॉसिंग का आसपास हो, जहां लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं, तो इस टाइप का चीज चलेगा। इसके लिए आप जितना बिजी एरिया चूज करेंगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। कोई क्रॉसिंग में या कहीं ऐसा छोटा से भी हो आप कर सकते हैं। दूसरा, में इसका कॉस्ट बचाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारा चीज जैसा समोसा, पराठा, इस टाइप का बहुत सारा चीज आप घर पे बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। आपके घर पे आपका अगर कोई हेल्प करने वाले हो, परिवार के लोग हो, उन लोग को थोड़ा दे के सब्जी उनसे कटवा लिए, ताकि आप अगर आप छोटे से जगह लेते हैं वहाँ इतना सारा सब्जी चिकन वगैरह सब कुछ ला के आपको मैश हो जाएगा। अगर आप घर में लेके जाते हैं, घर में कटवा के ला के यहाँ ऑलमोस्ट 50% वर्क कर लेते हैं, बाकी यहाँ आके करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। और ऐसा अपॉर्चुनिटी आपका अगर है तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। फिर रेस्टोरेंट खोलने से पहले आप जरूर से जरूर एक बार सर्च कर लें कि उस एरिया में क्या क्या लाइसेंस लगता है। सारा लाइसेंस छोटे रेस्टोरेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, वो आपको करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगा। खोलने से पहले और एक चीज आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना है, आसपास के एरिया में देखिए तो किस तरह का चीज बिकता है ज्यादा, और उसका कॉस्ट क्या है, मतलब वो कितना दाम में बेचता है, पोर्शन साइज क्या है,
ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आप अगर ज्यादा दाम रखेंगे तो ये चलने का नहीं है, क्योंकि जो पहले से बिजनेस कर रहा वहां से कोई अगर गेस्ट आपके पास आएगा, कस्टमर आएगा, तो वो देखेगा आपको बस सस्ता है, आपका खाना अच्छा है, टेस्टी है, देखने में सुंदर है और साफ सफायत है। साफ सफायत का तरह बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कभी भी आप रेस्टोरेंट खोलिए, आप कोशिश कीजिए रेस्टोरेंट में काम करने के लिए अलग कपड़ा हो, जो पहन के आते हैं घर से वो अलग हो, कम से कम एक टी शर्ट भी आप रखिए अलग से, तो ये रेस्टोरेंट थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। आप घर से आए जैसे भी पहन के आए, अगर ट्राउजर पहनते हैं तो ब्लैक ट्राउजर ले लीजिए और एक टी शर्ट ले लीजिए, एक ही तरह का टी शर्ट अगर तीन चार लोग पहन के रहते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है और इसको क्लीन रखने में इजी होता है। और एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग क्या करते हैं रेस्टोरेंट खोल देते हैं, एक दो महीना थोड़ा चलने लगता है, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, स्टाफ को दे देते हैं, चलाओ तुम लोग। ऐसा कभी मत करना, कैश हमेशा खुद से संभालना। जब तक बिजनेस आपका बहुत अच्छे से पिकअप ना हो जाए, आप फुल टाइम रेस्टोरेंट पे आप रखना, आप खुद ओपन करना, खुद क्लोज करना, किसी पर भी भरोसा करके मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई इस तरह से वो डूब चुके हैं रेस्टोरेंट करके, दूसरों पर भरोसा करके। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, फुल टाइम आप अपना हिसाब से रहना और अपना नजर रखना सारे तरफ, और आपको कुकिंग का थोड़ा से नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आप जिसको कुकिंग के लिए रखेंगे वो बहुत सारा वेस्टेज करके आपको डुबा देगा। सो कुकिंग का नॉलेज आपको रहना बहुत जरूरी है। रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा बात है, वो बड़े रेस्टोरेंट हो, छोटे हो, जैसे भी साइज का हो, सबसे बड़ा चीज है जो टेस्ट। टेस्ट आपका अगर बेस्ट होगा, दूर दूर से लोग भी आपके पास खाने के लिए आएंगे, टेक अवे लेने के लिए आएंगे। ये चीज में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप दो बार चार बार बनाइए एक डिश को, बना के आप कोशिश कीजिए, टेस्ट कीजिए उसको, कोशिश कीजिए उसको और इम्प्रूव करने का। आपका अगर टेस्ट बेस्ट होगा तो आपका बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता। टेस्ट सबसे पहला बात, और दूसरा में आता है क्लीननेस, साफ सफाई। स्टाफ जो आप रखेंगे वो साफ सुथरा रहे, अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा बिहेव करें कस्टमर से, गेस्ट से। अच्छा बिहेव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं नेक्स्ट और भी बड़ा एपिसोड बनाऊंगा, एक मैं छोटा से आपको जस्ट एक आइडिया दिया, मैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आप मेनू प्लानिंग करेंगे, पैसा का हिसाब कैसे करेंगे, कितना पैसा किचन में लगाएंगे, कितना पैसा फ्रंट में लगाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, कई बार एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ, कई बार मेरा दोस्त लोग रेस्टोरेंट जब खोला मुझे लेके दिखाया, मैं देख के एक प्लान दिया कि किचन में इतना खर्च करो और ज्यादा मत करो, इक्विपमेंट ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, जो चलने वाला है वो चला लो, फ्रंट पे थोड़ा अच्छा से और कर लो और किचन में उतना ज्यादा खर्च मत करो। कुछ दिन पहले का बात है, एक मेरा फ्रेंड मुझे बोला भाई एक रेस्टोरेंट लेंगे आप आके देख लो। मैं गया, ये लंदन का बात है, मैं गया उनका रेस्टोरेंट देखने के लिए। वो रेस्टोरेंट तो सही था, किचन तो ऑलमोस्ट बिल्कुल, क्योंकि वो रनिंग रेस्टोरेंट था वो बंद कर दिया था, उसने चला नहीं पाया था। तो उसने बोला भाई मैं प्लान किया ये सारा रेंज जो ओवन है चेंज कर दूंगा, ऐसा करूंगा करके वहाँ बहुत सारा पैसा का हिसाब मेरे को दिखाया, और फ्रंट पे जो चेयर टेबल वेल था वो भी अच्छा था, लेकिन बोलता नहीं नहीं ये पुराना हो गया, मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसका ऐसा डिजाइन करूंगा, ऐसा करके बहुत बड़ा अमाउंट बोला। मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा, मैं लोन लेके इशारा करके मैं एकदम बिल्कुल झिकझाक करके स्टार्ट करूंगा। मैं उनको बार बार ये चीज मना किया था, मैं बोला ये रेस्टोरेंट का जो स्टैंडर्ड है अभी काफी अच्छा है, आप बहुत ज्यादा करोगे तो थोड़ा पेंट कर दो, थोड़ा टेबल के ऊपर और एक लेयर दे सकते हो, नहीं भी दो तो चलेगा, और पेंट अच्छा से कर दो, नाम साइन चेंज कर दो, और किचन में जो भी है सिर्फ 10% और आप इन्वेस्ट करो किचन में, जितना आप प्लान कर रहे हो उसका 10% करो, 90% पैसा हाथ में रखो, क्योंकि रेस्टोरेंट जो आप सोचते हो कि जब भी खोलेंगे बिल्कुल बूम हो जाएगा और पैसा आने लगेगा, ऐसा होता नहीं हमेशा। सो आप इसको इतना खर्च मत करो। मैं तो बोल के आ गया, तीन चार महीना का बाद में एक दिन मैं मेरे को बुलाया, बहुत परेशान, मैं गया जाके देखा वो बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत सुंदर अच्छा ये बनाया, लेकिन उसका रेस्टोरेंट क्लिक नहीं किया किसी भी कारण से, हो सके फूड टेस्ट या तो वहाँ का जो गेस्ट
उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए टाइम लगेगा, और जो शुरू में बहुत सारा ऑफर देना पड़ता है, बहुत सारा प्लान करना पड़ता है, वो सब नहीं किया, और जो डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी डिलीवरी के बारे में कुछ भी नहीं किया, वो सोचा मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, इतना सुंदर रेस्टोरेंट बनाया और पूरा भीड़ लग जाएगा और मेरा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन बिजनेस जो इतना सोचा था सिर्फ 10% बिजनेस हुआ, और पैसा इतना खर्च कर दिया, फिर वो रेंट और सारा जो इलेक्ट्रिक बिल गैस बिल टैक्स वगैरह वगैरह देते देते वो 9 या 10 मंथ्स चला पाया, बाकी जितना पैसा लगाया था सारा का सारा डूब के वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट होकर निकला। फिर मेरा पास एक दिन आया, बोला नहीं आप ठीक ही बोला था, मैं इतना मेरा दोस्त लोग बोला एकदम खोलना है तो नंबर वन करके खोलो नहीं तो मत खोलो, और ऐसा बोला तो मैं उड़ा दिया। मैं बोला उतना पैसा तेरा पास रहता तू अगर और शुरू में स्टार्ट जो करता ना स्लो से करता तो तेरा सब कुछ बचा हुआ रहता। तो फिर वो बेचारा बहुत परेशान हो गया। फिर कम से कम 1.5 साल बाद उसने और एक छोटा से लिया, फिर मुझे लेके दिया, मैं थोड़ा उसका मेनू प्लान भी करके दिया, थोड़ा अपना हाथ से भी बना के उनका जो जूनियर सेफ लोग था उनको दिखा काया कि इस टाइप का करो। वो बिल्कुल स्ट्रीट फूड से शुरू किया, शुरू करते करते अभी उनका पास 2 रेस्टोरेंट है। वो बांग्लादेश के हैं लेकिन काफ़ी टाइम से मतलब वो 20 साल से ज़्यादा वो लंदन में काम करते हैं और वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही मानते हैं। उनके जरिए से मुझे और भी कई रेस्टोरेंट मिला जिसको ओपनिंग के लिए मैं हेल्प किया और कर दिया। तो मैं ये कहानी बोलने का ये मतलब है आप इमोशन में मत आ जाइए, हमें ये करना वो करना नहीं, आपको देखना है बिजनेस हमारा बिजनेस कैसे होगा, और ऐसा आप कीजिए, ऐसा प्राइस रखिए, इतना अच्छा खाना बनाइए, प्रेजेंटेशन से लेके आप उसका टेस्ट तक ध्यान रखिए, तो वो एक बार खाएंगे तो दोबारा खुद से घूम के आएंगे, आपको बुलाने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट मैं ये भी बताऊंगा आपको आप ऑनलाइन में बिजनेस कैसे करेंगे, लिक्विडिटी कैसे करेंगे, बिजनेस खोलने का साथ साथ कि आपका चारों ओर से थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाए वो कैसे होगा, ये सारा पॉइंट मैं वन बाई वन आपको बताते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा वीडियो मिलते ही आपको और उन लोगों को जल्दी से मिल जाए, और आप मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये आप ले सके, आपका दोस्त पा सके, इसीलिए मेरा वीडियो आप हमेशा सर्च करते रहना। इसको इस मेरा वीडियो से आपको फायदा ही होगा क्योंकि मैं हवा हवाई में बात नहीं करता हूँ। मैंने देखा यूट्यूब में बहुत सारे लोग उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया लेकिन वो दूसरों को आइडिया देते हैं ऐसा कर लेना वैसा कर लेना ऐसा कर लेना, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया लेकिन वो दूसरों को आइडिया देते हैं, अगर उनका पास इतना आइडिया होता तो खुद क्यों नहीं कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ 100% ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसा मेरे ऊपर हुआ मैं जैसा आगे गया। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कैसे रेस्टोरेंट बनाएंगे, कैसे और बड़ा रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कैसे आप फूड चेन बना सकते हैं, कैसे आउटडोर कैटरिंग कर सकते हैं, कैसे क्लाउड किचन कर सकते हैं, कैसे आप घर में भी आप खाना बना के ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ये मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखें, मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और नेक्स्ट 3-4 एपिसोड इस टाइप का आप जरूर देखें तो आपको फुल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक एपिसोड में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई आप लोग नहीं देखेंगे, इसीलिए मैं छोटा छोटा बनाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ मेहनत मेरा काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।